हेलो गाइस, तो कैसे आप सब। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे साथ कार्डबोर्ड क्यों है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं अपने स्टूडियो के लिए, अपने सेटअप के लिए सॉफ्ट बॉक्स बनाने वाला हूँ। और मैंने सोचा कि अगर मैं बना ही रहा हूँ तो इसकी भी वीडियो बना लेता हूँ और आप लोगों को शेयर कर देता हूँ, क्योंकि आप लोग भी अपने सेटअप के लिए या अपने स्टूडियो के लिए सॉफ्ट बॉक्स कैसे बना सकते हो ये वीडियो देखकर आप सीख जाओगे। और मैं इसलिए भी बना रहा हूँ कि आप बहुत ही कम प्राइस में सॉफ्ट बॉक्स बना सकते हो। आपको कोई मतलब परचेज करने की जरूरत नहीं ना, कोई भी मतलब हाई क्वालिटी की आपको सॉफ्ट बॉक्स है या रिंग लाइट है आपको परचेज करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा महंगी होती है। तो मैंने सोचा, मैंने आइडिया लगाया कि मैं खुद से अपना सॉफ्ट बॉक्स अपने स्टूडियो के बनाकर आप लोगों को शेयर कर दूँ। उससे क्या होगा, मेरा भी फायदा होगा, मेरा भी सॉफ्ट बॉक्स बन जाएगा और जो मेरी वीडियो बनेगी उससे आप लोगों को भी फायदा होगा, आप लोग भी बना सकते हो अपने घर पर सॉफ्ट बॉक्स। तो कैसे बनाना है इस वीडियो में आपको सिखाने वाला हूँ, और सॉफ्ट बॉक्स बनाने के लिए क्या क्या चीज़ की जरूरत पड़ेगी वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो वीडियो को जल्दी से स्टार्ट कर देते हैं। तो सॉफ्ट बॉक्स बनाने के लिए आपको जो सबसे पहले सामान की जरूरत पड़ेगी वो क्या है, आपका कार्डबोर्ड। इसको आपको कहाँ से परचेज करना है, आपको जो कबाड़ की दुकान है आपके एरिए में, कोई भी कबाड़ की दुकान वहां से आप इसे परचेस कर सकते हैं। मात्र आपको 50 रुपए का ये मिल जाएगा। मुझे भी 50 रुपए का पड़ा है इसलिए मैं बता दिया हूं आपको, ठीक है। 50 रुपए का ये पड़ जाएगा, इसको मैं साइड में रख देता हूं। उसके बाद जो और सामान की जरूरत पड़ेगी वो आपको क्या, वो आपका यहां पर सामने रखा हुआ है, मैं आपको अभी भी एक एक करके दिखा देता हूं। तो जो दूसरा सामान है यहां पर आप देख सकते हैं, ये है चार्ट पेपर, ये आपके क्राफ्ट की दुकान पर मिल जाएगा आपके, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये क्राफ्ट की दुकान पर आपको मिल जाएगा, ये मात्र मुझे 30 रुपए में पड़ा है, ये 8 का ये चार्ट पेपर है 8, ठीक है। तो मात्र 30 रुपए में मुझे पड़ चुका है, ठीक है। उसके बाद जो आपको तीसरे सामान की जरूरत पड़ेगी वो है आपका सिल्वर फॉयल, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। ये भी आपको परचेस कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ इसे मैं रख देता हूँ, ये भी 30 रुपए में मुझे पड़ा है। और यहाँ पर देख सकते हैं ये टेप, ये मुझे 20 रुपए में पड़ा है। इसको बहुत अहम, ये मतलब ये जो सॉफ्ट बॉक्स बनाएंगे ये बहुत मेन चीज़ है, ठीक है। तो आपको इसको ज़रूर ले लेना है। उसके बाद ये भी बहुत मेन चीज़ है क्योंकि इसके बिना चिपके ही ना पाएगा, तो ये फेविकॉल, इसको भी आपको परचेस कर लेना है। जो टेप है और ये है मुझे 20-20 रुपए में पड़ा है, ठीक है। तो मैं इस दोनों को रख देता हूँ। उसके बाद जो मेन चीज़ जो आती है यहाँ पास आती है सॉफ्ट बॉक्स के लिए, मेन चीज़ होती है लाइट, जो आपके चेहरे पर आपके बैकग्राउंड पीछे फोकस करती है, ठीक है। इसको भी आपको परचेस कर लेना है, अपनी मार्केट से कहीं आपके एरिया में कोई मार्केट हो, इसको परचेस कर लेना। मात्र मुझे ये 50-50 रुपए में पड़ा है, मतलब 50-50, ठीक है, 100 रुपए में दोनों, ठीक है। उसके बाद यहाँ पास मैंने इतना आपको दिखा दिया। उसके बाद आपके घर में कैंची हो तो कैंची आप यूज़ कर लीजिएगा, क्योंकि ये भी कैंची ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद यहाँ पास देखिए, आपके घर में अगर कोई वाइट यहाँ पास देखिए चादर हो या कोई वाइट चीज़ हो, यहाँ पास आप देख सकते हैं कपड़ा, उसके भी आपको परचेज यहाँ पर परचेज नहीं, अगर आपके घर में हो तब आप यूज़ कर सकते हैं, अगर नहीं हो तो जाके आप खरीद सकते हैं, बहुत ही सस्ता मिल जाएगा, ठीक है। एकदम हल्का आपको लेना है, ये देखिए एकदम झलक रही है, हल्का लेना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको इतना दिखा दिया, ये सब सामान की आपको ज़रूरत पड़ेगी। और यहाँ पर देखिए जो ये कार्डबोर्ड है इसको मैंने कट करके पहले से रखा है, ठीक है, कि जल्दी हो जाए, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए मैंने इसे पहले ही कट करके रखा है। आपको भी कट करके रख लेना है। और ये जो आपको कार्डबोर्ड लेना है, ये आपको रेफ्रिजरेटर जो फ्रीज होती है उसका कार्डबोर्ड आपको लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्योंकि ये लंबा होता है, ठीक है दादा। तो यहाँ पर मैंने आपको इतना दिखा दिया है। और मेन चीज़ आपको ये भी लेना है, ये इंची टेप, ठीक है, इसको भी आपको ले लेना है अगर आपके घर में रखा हो तो। अब चलिए जल्दी से आपको बनाना सिखा देते हैं कि कार्डबोर्ड से कैसे सॉफ्ट बॉक्स बनाया जाता है अपने स्टूडियो के लिए। तो चलिए वीडियो को जल्दी से स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ बैठ चुके हैं अपने सिंहासन पर। अब यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप सॉफ्ट बॉक्स कैसे बना सकते हो। तो यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, यहाँ मैंने ले लिया एक कार्डबोर्ड का टुकड़ा, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको क्या करता हूँ, यहाँ पर आपको बनाना सिखाता हूँ। सबसे मेन चीज़ क्या होती है, सॉफ्ट बॉक्स का साइज निकालना, वो साइज़ आपको कैसे निकालना है। जैसे कि आगे का सॉफ्ट बॉक्स का साइज होता है बड़ा होता है और पीछे जाते जाते वो उसका साइज छोटा हो जाता है, ठीक है। तो ये साइज आपको कैसे निकालना है, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको इसका फ्रेम बना लें। जो फ्रेम रहता है, पहला जो फ्रेम रहता है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल रहता है बनाना। तो यहाँ पर मैं उसका पहले फ्रेम बनाकर यहाँ पर निकाल देता हूँ, ठीक है। तो मैं आपको क्या करना है, इंची टेप लेना है और इसका जो बाहर बाहर का जो रफ एरिया है यहाँ पर आपको इसको निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको इसको एक एक इंची हटा देना है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक एक इंची पे निशान लगा देता हूँ और इसे हटा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने इसको कट कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने इसको कट कर लिया है। अब आपको क्या करना है, अब यहाँ पर जो आपकी साइज़ है आपके, मतलब आपको कितना बड़ा बनाना है, तो वो साइज़ को आपको यहाँ पास लगा देना है, ठीक है, निशान उस पर लगा देना है। तो यहाँ पर मैंने जो एक एक इंची काटा था, अब वहाँ से मैं यहाँ पर से लूँगा और यहाँ पर से जो 24 इंची है यहाँ पर जो मैंने अपने रूम के लिए बनाना है जितना बड़ा, वो साइज़ का मैं यहाँ पास लगा देता हूँ निशान। यहाँ पर मैंने दोनों तरफ 24 इंची लगा दिया है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर से एक स्केल लेना है और यहाँ पर से इसकी लाइन खींच लेना है, ठीक है। तो ये कट हो चुका है, ठीक, इसको मैं काट लेता हूँ जल्दी से। तो यहाँ पास फाइनली यहाँ पास कट चुका है। अब इसको साइज़ इसकी कैसे निकालना है, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी साइज़ अब कैसे निकालना है। अब यहाँ पर आपने जो 24 इंची यहाँ पास लिया था, निशान लगाया था, यहाँ पर आप देख सकते हैं 24 इंची यहाँ पास ये है, ठीक।
तो यहाँ पर इसके निशान लगाया था। अब यहाँ पर इसका जो बीच का होता है, जैसे 24 का आधा क्या होता है 12, ठीक है, इस पर आपको निशान लगा लेना है। तो यहाँ पर पेन ले लेता हूँ, कहाँ गया, इस पर मैं निशान लगा लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, अब इसका जो ये पार्ट है यहाँ पर से इधर आपको चार लेना है, जो मैंने बताया था ना 8, यहाँ पर मैं इस पर चले जाऊँगा 4 और इस पर चले जाऊँगा 4, ठीक है। तो यहाँ पर मेरी दोनों साइज़ निकल आई है, यहाँ पर मैं 8 जो पीछे का जो 8 इंची बताया था मैंने वो, ठीक है, ये 24 से आगे हो गया और ये जो मैंने 8 बताया था 8 पीछे का हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ पर से मैं कर लेता हूँ, इसका निशान लगा लेता हूँ, लाइन मैंने यहाँ पर देखे खींच रहा हूँ, अब इसको मैं कट कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर भी हो गया, अब मैं इधर का भी कर लेता हूँ जल्दी से। तो यहाँ पर देखिए हो चुका है, ठीक है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर हो चुका है। अब इसको ऐसे आपको इससे निकाल देना है, ये देखिए ये साइज़ निकल आई है, ठीक है। अब आपको इसको निकाल देना है, तो यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए फ्रेम बन चुका है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपके सॉफ्ट बॉक्स का फ्रेम है। अब इसी फ्रेम के हिसाब से आपको 8 भाग में इसे काट लेना है, ठीक है, जो मैंने कार्डबोर्ड दिखाया था आपको 4 इसी हिसाब से आपको काट लेना है। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, जल्दी से इसे काट लेता हूँ, उसके बाद का जो प्रोसेस है मैं आपको आगे बता देता हूँ। तो जैसे कि मैंने कहा था कि मैं इस साइज का जो सॉफ्ट बॉक्स का साइज है, इस साइज का मैं 8 पीस काट लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने काट लिया, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको 8 पार्ट में काटना है, आप देख सकते हैं, ठीक है। इसको काटने के बाद आपको क्या करना है, इसका 4 पार्ट लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं 4 पार्ट इसका ले लेता हूँ और इसको साइड में रख देता हूँ। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर इसको पहले जोड़ना है, कैसे जोड़ना है यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आपको टेप की ज़रूरत पड़ेगी अब, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, इसको जोड़ना है। अब कैसे जोड़ना है मैं आपको बताता हूँ, जैसे इसको इस तरीके से जोड़ना है, ठीक, ये देखिए, यहाँ पर आपको नीचे से बराबर करना है, ठीक है। जब आप नीचे से बराबर करेंगे तो एकदम बराबर हो जाएगा, तो आपको क्या करना है, इस पर टेप लगा देना है। अब कैसे टेप लगाना है, यहाँ पर मैं निकाल देता हूँ टेप और मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर इसको मैं एकदम बराबर कर देता हूँ और यहाँ पर इसको एक तरफ से लेता हूँ, ठीक है, और दूसरी तरफ आपको हींच के यहाँ पर से इसको हींच के यहाँ पर से टाइट एकदम चिपका देना है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर से जुड़ चुका है। अब आपको ऐसे ही ऊपर कर देना है और बीच में कर देना है, इसी तरीके आपको ऐसे ऐसे ही जोड़ना है। उसके बाद दो और पार्ट को लेना है, इसी तरीके आपको सबको जोड़ते चले जाना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने इसको जोड़ दिया है। अब इसको आपको मजबूती देना है, कैसे देना है मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इसके बीच में टेप लगाना है, ठीक है, यहाँ से लेना है, यहाँ से टेप लगा देना है इसको, ठीक है, इधर मैं लगा दिया। उसके बाद आपको क्या करना है, इधर ऐसे ही लगाना है, आप इसको इधर ऐसे ही लगाना है और इधर ऐसे ही लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने पूरा टेप लगा दिया, इसे मजबूती दे दिया है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको अब जो सिल्वर फॉयल मैंने बताया था आपको, इसे लगाना है। अब इसको कैसे लगाना है, देखिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको पहले पूरा नहीं ओपन करिएगा, नहीं तो आपका पूरा ये ख़राब हो जाएगा। और इसको कैसे लगाना है, मतलब इसको बाहर के एरिया का नहीं लगाना, जो अंदर का एरिया है ये चीज़, ठीक है, इसको लगाना है, ठीक है। तो आपको कैसे इसको लगाना पड़ेगा मैं आपको बताता हूँ, आपको देखिए कैसे लगाना है। सिंपली आपको यहाँ पास क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर इसको इस तरीके से लगाना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको इस तरीके से लगाएंगे तो यहाँ से पूरा सिल्वर फॉयल लग जाएगा, ठीक है। तो आपको कैसे करना है इसे, यहाँ पर देखिए आपको इसमें फेविकॉल लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा ऑफ कर देता हूँ। अब इसकी बारी आ गई, इसको आपको लगा देना है, ठीक है, किस तरीके से, इस तरीके से आपको इसे चिपका देना है, ठीक है, इसको थोड़ा अच्छे से चिपकाना पड़ेगा आपको। और इसको यहाँ से कट करना है, ठीक है, यहाँ पास से जहाँ से आप यहाँ पास का एंड है, इसको यहाँ से आपको कट कर लेना है। इसको यहाँ पास मैंने इसको कट कर दिया, उसके बाद आपको जो ये बचा है ना, इसको आपको मोड़ देना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मैंने एक बार बता दिया कि आप इस तरीके से सिल्वर फॉयल लगाएंगे, तो मैं क्या करता हूँ जल्दी जल्दी इसको पहले लगा लेता हूँ। तो यहाँ मैंने फाइनली पूरे यहाँ पर इस पर कवर कर दिया है सिल्वर फॉयल। आपको भी ऐसा ही कर देना है, पूरा कवर कर देना है, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था ना कैसे कवर करना है, तो उसी तरीके आपको इसमें कवर कर देना है। और जो जो टुकड़ा टुकड़ा बचेगा उसको यहाँ पर आप लगा सकते हैं, ठीक है, जहाँ जाइए यहाँ पर जो खाली था, ठीक है, इसको आप जैसे ही कर देंगे तो यहाँ पर ये इतना कम्प्लीट हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, इसको ऊपर उठाना है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको ऊपर उठा लेता हूँ, इसको फोल्ड करना है, ठीक। इसको जब फोल्ड करेंगे तो आप ये देखिए सॉफ्ट बॉक्स के तरीके ये लगने लगेगा, ठीक। अब आपको यहाँ पास क्या करना है,
यहाँ पास का जो एरिया है, यहाँ पास मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पास आपको क्या करना है, यहाँ पास ये मैं इसको खड़ा कर देता हूँ, यहाँ पास इसे टेप मार देना है, ठीक है। यहाँ पास इस तरीके देख सकते हैं, यहाँ पास आपको टेप मार देना है और ऐसे टेप मारना है कि टाइट रहे ये। तो यहाँ पास मैं क्या करता हूँ, जल्दी से इसे टेप मार देता हूँ, आपको हीच के टेप मारना है जिसमें ये टाइट रहे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मेरा सॉफ्ट बॉक्स इतना तो हो चुका है, इतना कंप्लीट। यहाँ पर आप देख सकते हैं, अब इसको और मजबूत करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको बीच बीच में इसके टेप मार देना है, ठीक है। यहाँ पर इसके बीच बीच में आप टेप मार दीजिएगा, जब आप टेप मारेंगे तो ये थोड़ा और मजबूत हो जाएगा, क्योंकि ये जो खुला खुला है, यहाँ पर मैं आपको खसका के दिखा देता हूँ, ये जो खुला खुला है इसकी गैपिंग दूर हो जाए, ठीक है। तो आपको क्या करना है, पहले इस तरीके टेप मारना है जैसे मैंने वाला दिखाया था, फिर उसके बाद आपको खड़ा टेप मार देना है। तो मैं क्या करता हूँ, जल्दी जल्दी से टेप मार लेता हूँ यहाँ पास। तो यहाँ मैंने क्या कर दिया है, टेप भी मार दिया है, खड़ा खड़ा टेप जो मैंने बताया था कि किस तरीके खड़ा खड़ा टेप मारना है, इसको खड़ा खड़ा टेप हमने यहाँ पास से इधर से चारों तरफ से मार दिया है। आपको भी इसी तरीके करना है। उसके बाद जो एक्स्ट्रा एरिया बच रहा है तो आपको उसे कट कर देना है, ठीक है। और जो अब ये जो नीचे का पार्ट है, मतलब फ्रंट पार्ट है जो, इसको आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए थोड़ा बहुत मजबूत हो चुका है मेरा सॉफ्ट बॉक्स जो है। अब इसको हम क्या करते हैं, इसको टेप मार देते हैं, आपके सामने करेंगे हम, ये आपको दिखेगा। देखिए इसको टेप कैसे लगाना है, ठीक है। देखिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ तक आपको निशान लेना है, टेप फाड़ देना है और ये लेना है, यहाँ पर से आपको अंदर चिपकाना है, जैसे मैंने चिपका दिया, अरे भाई चिपक जा, चिपका दिया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इस चीज़ को यहाँ से मोड़ देना है, इस थोड़ा ज़ोर से मोड़ना पड़ेगा क्योंकि ये अच्छे से चिपक जाए पीछे साइड। तो एक तो मैंने मोड़ दिया है, अब बाकी सभी को फिर मैं मोड़ देता हूँ जल्दी से, ठीक है। तो यहाँ मैंने फाइनली इसे यहाँ पर देखिए एकदम मजबूती दे दिया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसे एकदम मैंने मजबूती दे दिया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं एकदम ये टाइट हो चुका है। यहाँ पर आप ऊपर एंगल से भी देख सकते हैं, कैमरे के एंगल से एकदम ये मजबूत हो चुका है। अब यहाँ पर बात आती है चार्ट पेपर की, इसे आपको चार्ट पेपर कैसे लगाना है, जो मैंने चार्ट पेपर आपको दिखाया था, ये चार्ट पेपर आपको कैसे लगाना है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको पहले बिछा लेता हूँ, चार्ट पेपर को इसको साइड रख के चार्ट पेपर को बिछा लेना है, ठीक है। उसके बाद इसके ऊपर रख देना है आपको सॉफ्ट बॉक्स को जो आपने बनाया है, इधर से आपको सॉफ्ट बॉक्स को रख देना है, ठीक है। इस तरीके से रख लिया है, अब आपको क्या करना है, दोनों बराबर देखना है, आगे भी पीछे भी, आपको एकदम नीचे इसको नहीं करना है, हल्का सा लेना है ऊपर, ठीक है। इतना सा आप ले लेंगे, इधर अगल बगल सब सही है। आपको क्या करना है, इसे चिपकाना है। अब कैसे चिपकाना है, अब यहाँ पास आपको क्या करना है, ये टेप की ज़रूरत पड़ेगी आपको इसके, तो आपको इसको इसके बराबर कर लेना है, ठीक ठीक है। आपको पहले क्या करना है, इसको मोड़ना है इस तरीके से, जैसे मोड़ रहा हूँ मैं, इस तरीके से आप मोड़ेंगे तो ये यहाँ पर एडजस्ट हो जाएगा, ठीक। इस तरीके आप मोड़ दिए, उसके बाद आपको क्या करना है, इसको नीचे इसके लगाना है, यहाँ पास मैंने रख दिया। अब आपको क्या करना है, वो एकदम चिपक जाएगा तो आपको इसको फोल्ड कर देना है अंदर के साइड। इसको ये देखिए, ये हो चुका है, ये यहाँ पास हो चुका है। इसको मैं इस तरीके खड़ा करता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब आपको साइड साइड में इसके टेप लगा देना है, ठीक है। इसको मैं अंदर मोड़ देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ मैंने इसको कवर कर दिया है, अब इधर की बारी आती है इसको कवर करने की, तो जल्दी से मैं इसको भी कवर कर देता हूँ इधर से। तो यहाँ मैंने ये देखिए इसको कवर कर दिया है, और जो बच रहा है आपका टुकड़ा, ये चीज़, इसको आपको चाहे कट कर देना है या अंदर फोल्ड कर देना है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको कट ही कर देता हूँ। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये एकदम फोल्ड हो चुका है, ये देखिए इस तरीके से कवरिंग होएगी, आप देख सकते हैं इस तरीके कवरिंग होएगी इसकी। और आप इस तरीके कवरिंग करके और अंदर फोल्ड करके, आपको ये अंदर फोल्ड करके आप इस तरीके सारे जगह इसको लगा देना है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, जल्दी जल्दी इसे लगा देता हूँ। तो बड़ी मेहनतों के बाद यहाँ पर ये देखिए ये कंप्लीट हो चुका है, मैंने इसको कवर कर दिया। आप दूसरे एंगल से देख सकते हैं, इसको मैंने कवर कर दिया पूरे चारों तरफ से, आप देख सकते हैं इसको मैं कैसे घुमा दूँ, और ये इस तरीके कवर हो गया। और अंदर से देख सकते हैं आप, ये देखिए, और आप इधर से देख सकते हैं दूसरे एंगल से, आपको दिख रहा होगा, ठीक है। अब ये हो चुका है, अब आपको क्या करना है,
आपको सिंपली इसको यहाँ से पहले इसको नापना है, ठीक है। इसके पीछे का कवर जो होता है इसको ढकना है, तो इसको आपको इंची टेप से नाप लेना है। यहाँ पास आपका कितना आ रहा है, इधर नाप लेना और इधर नाप लेना, उसी के हिसाब का काट लेना है जैसे मैंने ये काटा है। यहाँ पर देख सकते हैं क्योंकि कुतुब मीनार के तरीके उड़ गया, क्योंकि यहाँ पर जो मेरी लाइट है ना खुद ज़्यादा बड़ी है, तो इसको मैंने आगे इसे लगाना पड़ा क्योंकि लाइट मेरी बैठ नहीं रही थी, तो मैं इसे लगा दिया हूँ, ठीक है। तो अगर आप कभी इस तरीके हो तो आप इस तरीके इसको उठा सकते हैं। तो ये जो नीचे वाला बोर्ड है, ये नीचे वाला, इसको आपको क्या करना है, इसके साइज़ का काट लेना है, थोड़ा बड़ा काटना है, क्योंकि अगर आप इसी के साइज़ का पूरा काटेंगे तो ये अंदर घुस जाएगा, तो आपको थोड़ा बड़ा साइज़ का इसका काट लेना है। मतलब इसको हल्का हल्का सा, मतलब 3-4 mm आपको बाहर निकाल देना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसको काट भी लिया, आप इसको यहाँ पर मैं बैठा भी दूंगा तो यहाँ पर देखिए टिक जाएगा, ठीक है। यहाँ पर बैठा दूंगा, इस पर मैंने कवर भी लगा दिया है, ये देखिए एकदम बैठ गया, ये अंदर नहीं जा रहा है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये हो चुका है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको जल्दी से चिपका देता हूँ। तो इस तरीके आप देख सकते हैं, इस तरीके से ये हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं अंदर से, आप देख लीजिए इस तरीके से आपका हो जाएगा, हाँ। और आपको क्या करना है, बीच में आपको लाइट लगा देना है, जैसे कि यहाँ पर मैं लाइट लगा दूँगा, ठीक। इसको यहाँ पर मैं लगा देते हैं, चलिए ये चिपक रहा है जब से। तो यहाँ पर मैंने वो कपड़े को भी काट लिया है। आपको क्या करना है, वो कपड़े को कैसे काटना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। इसका आपको ये जो कपड़ा है इसको बड़ा काटना है, मतलब एक एक इंची बड़ा कर लेना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने एक एक इंची इसका बड़ा काटा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप जब टेप लगाएंगे तो ये टाइट होगा, ठीक है। तो आपको ये देख सकते हैं ये कपड़ा है, ये ऐसे लग जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने चारों तरफ टेप लगा दिया है, आप देख सकते हैं, दूसरे एंगल से भी देख सकते हैं, चारों तरफ मैंने टेप लगा दी, इसको कितना टाइट रख दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर अब लाइट जला के आपको दिखा देता हूँ, जादू। तो अब इसको, इस एंगल को बंद कर देते हैं, सामने वाले एंगल से आपको दिखा देते हैं, ठीक है। अब सामने वाले एंगल से आपको दिखा देते हैं, ये उठाकर यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक। और यहाँ लाइट लगाने जा रहे हैं, आप देखिएगा अभी लाइट जल जाएगी, एक लाइट बंद करेंगे और एक लाइट यहाँ पर जल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पास जल्दी लगाओ भैया, हाँ लगाओ चलाओ, ये देखिए अब वाली लाइट बंद कर देते हैं हम, रुक जाइए, ये देखिए, हाँ ये देखिए लाइट जल रही है, आपको दिख रही है ना, ये देखिए ये लाइट ये जलने लगी। तो कितना अच्छा सॉफ्ट बॉक्स बना है, यहाँ पर देख सकते हैं इसकी लाइट भी कितनी शानदार है। अब अगर आप इसे दो बना लेंगे तो आपका एकदम काम ही हो जाएगा। तो इस तरीके से मैंने आपको दिखा दिया, बहुत ही मेहनत लगी है मुझे वीडियो बनाने में सॉफ्ट बॉक्स कैसे बनाएं, तो मेहनत बहुत ज़्यादा लगी है, बंद कर दीजिए। तो फाइनली यहाँ मैंने अपना सॉफ्ट बॉक्स कंप्लीट कर लिया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए कितनी लाइट पड़ी, कितनी रोशनी पड़ी है। मैं आपको थोड़ा और पास से भी दिखा देता हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मोबाइल को यहाँ से निकाल लेता हूँ और मैं आपको थोड़ा और पास से भी दिखाता हूँ, और इधर लाइट आपको दिखा देता हूँ पूरी। यहाँ पर देखिए अंदर लाइट आपको दिख रही होगी, इधर आपको दिख रही होगी, ठीक। तो आप देख सकते हैं, और यहाँ पर मैंने देखिए किस पे माउंट करके रखा हुआ है, अब आप देख सकते हैं, ये देखिए ट्राईपॉड पे। तो मैंने ट्राईपॉड पे कैसे माउंट किया है, जो ऊपर का होल्डर होता है उसको निकाल कर मैंने क्या किया था, उसका जो होल्डर जिस पे फिक्स होता है उसको बस लगाया, उसका जो पेच होता है पेच निकाल के, एक जो आपका कूलर वाला पेच होता है, जो आपके घर में कूलर लगा रहता है उसका पेच ला के मैंने दो पत्ती अल्मोनियम की लगाया, या स्टील की आप कोई सी भी पतली ले लीजिएगा और अंदर लगाइएगा छेद करके, ठीक है। आप देख सकते हैं, मैं एक बंद करता हूँ, दूसरी लाइट ओपन करके मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं अंदर दिख नहीं रहा होगा आपको, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा अंदर, यहाँ पर मैंने पत्ती लगाया और पत्ती लगा के मैंने यहाँ पर उसे टाइट कर दिया। तो देख सकते हैं मैंने अपने ट्राईपॉड पे भी माउंट कर दिया, कितनी आसान तरीके से। तो इस तरीके से आप कम बजट में, कम प्राइस में अपने घर पर सॉफ्ट बॉक्स बना सकते हैं। यहाँ पर मैं इसे लगा दूँ, तो आप इस तरीके से सॉफ्ट बॉक्स बना सकते हैं, ठीक है, जैसे मैंने आपको वीडियो में बताया है। अगर आप इसी तरीके बनाएंगे तो बहुत ही कम प्राइस में आपका बन जाएगा सॉफ्ट बॉक्स। बस आपको क्या करना है, पूरी वीडियो को एंड तक देखना है, तभी आप सीख पाएंगे। तो नीचे में बताएगा जरूर कैसी लगी वीडियो, अच्छी लगी वीडियो एक लाइक देते हैं, अपना शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन उसको प्रेस कर लिया, उससे होगा क्या, मेरे आने वाली नेक्स्ट वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी, और ऐसे ही वीडियो आपको मिलती रहेगी और टिप्स एंड ट्रिक्स वाली भी वीडियो आपको मिलती रहेगी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियोज़ में।